हेलो एवरीवन, अभी तक हमने देखा कि ड्रॉ पर्सन टेस्ट क्या होता है, उसका इंडियन अडेप्टेशन क्या है, उसे किस तरीके से हम प्रशासित करते हैं या एडमिनिस्ट्रेट करते हैं और किन पर किया जाता है। आगे की स्लाइड्स में या इन स्लाइड्स में हम ये देखेंगे कि जो भी हमें मिल रहे हैं रिस्पॉन्सेज, उन रिस्पॉन्सेज का इंटरप्रिटेशन या रिस्पॉन्सेज में यहाँ मेरा मतलब है कि ड्राइंग्स, जो भी ड्राइंग्स हमें मिल रही हैं उन ड्राइंग्स का हम किस प्रकार से इंटरप्रिटेशन करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट जो है वो बच्चों पर एडमिनिस्टर किया जाता है और इसका कहाँ कहाँ और किस किस क्षेत्र में उपयोग है ये मैं आपको बहुत पहले ही बता चुकी हूँ। तो इस सेक्शन में हम बस ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ भी आउटपुट मिल रहा है या जो भी ड्राइंग्स मिल रही हैं उन ड्राइंग्स को हम किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। बच्चों की अनुक्रिया लेते समय हमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना होगा कि बच्चों द्वारा दिए गए जो शाब्दिक या अशाब्दिक रिस्पॉन्स हैं, जो अनुक्रियाएं हैं या जो व्यवहार वो प्रदर्शित कर रहे हैं, उन्हें भी हम उस समय तुरंत ध्यान देकर ऑब्जर्व करते हुए उसको लिख लें। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा कोई असुरक्षा की भावना दिखा रहा हो या उसके अंदर कोई संशय हो या वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंस में हो या इम्पल्सिव बिहेवियर दिख रहा है या किसी प्रकार की चिंता दिख रही है, तो ये सब कुछ चीज़ें उसमें नोट की जानी चाहिए। जब हम इस टेस्ट को एडमिनिस्टर कर रहे हों तो उसके सारे हाव भाव, सारे जेस्चर्स, पोस्चर, जो मतलब नॉन वर्बल क्यूज़ हैं और जो शाब्दिक क्यूज़ हैं, दोनों को ही हमें लिखते रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमें आगे जाकर इंटरप्रिटेशन में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है और हम एक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं कि मतलब ओवरऑल ये बच्चा किस प्रकार का है या इसके अंदर कौन कौन सी इशूज़ जो हैं वो चल रहे हैं। तीनों ही फिगर्स जो कि पेरेंट इमेज, सेल्फ इमेज या आइडियल सेल्फ इमेज की ड्राइंग है, तीनों ही फिगर्स जो बच्चे ने बनाया है, उसके लिए हम कुछ एक जनरल, जिसको हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि जनरल इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि यदि बच्चे ने कोई लार्ज ड्राइंग बनाई है, कोई बड़ी चित्र, बड़ा ही चित्र बनाया है, तो उसको हम क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सिग्निफिकेंट मानते हैं। लार्ज ड्राइंग्स अपने आप में क्या क्या बातें बता सकती हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर कोई फादर फिगर है और उस फादर फिगर का बच्चे ने बड़ी ड्राइंग बनाई है, इसका मतलब कि उसके पिता जो हैं वो बहुत स्ट्रांग होंगे, बहुत सक्षम हैं, उनके ऊपर निर्भर रहा जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत अग्रेसिव भी हो सकते हैं या थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं। यदि अगर माता का चित्र जो है वो बड़ा बनाया गया है, तो वो ये दर्शाता है कि उसकी माता, बच्चे की माता के अंदर वो स्ट्रेंथ है, बहुत ही ज़्यादा उन पर निर्भरता हो सकती है और वो हर तरह से सक्षम है कि अपने कार्यों को अच्छी तरीके से उसका निर्वहन कर सके, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। अगर खुद की आइडियल सेल्फ इमेज को बड़ा बनाया जाए, तो हम उस समय देखते हैं कि बच्चे के अंदर अगर किसी तरीके की फैंटेसी है उसको पूरा करने के लिए ये सेल्फ इमेज बड़ी बनाई जाती है, या किसी प्रकार की हीन भावना है या अक्षमता की भावना है या अपूर्ण होने की भावना होती है, तो बच्चा इस प्रकार से बड़ी अपनी आइडियल सेल्फ इमेज बनाता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम इसका एक उदाहरण लें कि जब बच्चे के अंदर मान लीजिए किसी तरीके की इनफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हम बहुत ज़्यादा नहीं हैं, हम हीन भावना जिसको हम कहते हैं, इनफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो, तो वो कई बार उसके अंदर किसी चीज़ को छोड़ देने की, ना करने की स्थिति में वो हो जाता है और उसमें ऐसी भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं, या वो बहुत ही ज़्यादा हर काम के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होने लगता है। तो जब इस तरीके की इमेजेस वो बनाए, तो बड़ी इमेजेस बनाए, तो उसी के अनुसार वो अपने चीज़ों का फुलफिलमेंट, अपने जो फीलिंग्स हैं या जो अपनी कमियां हैं उनके फुलफिलमेंट को देखते हुए करता है।
अब अगर फिगर सीक्वेंस की बात करें तो ज़्यादातर केसेस में, मतलब 87% ऑफ केसेस मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो 87% ऑफ केसेस में बच्चे जो हैं वो अपनी ही ड्राइंग सबसे पहले बनाते हैं। लेकिन जब कोई बच्चा यदि होमोसेक्सुअल है तो सबसे पहले वो क्या करता है, वो दूसरे ऑपोजिट सेक्स की, जो उससे विपरीत लिंग का व्यक्ति है होगा, उसकी उसका चित्र सबसे पहले बनाता है। कई बार ये जो चीज़ें हैं वो ये भी दर्शाती हैं कि बच्चे की डिपेंडेंसी उसके ऑपोजिट सेक्स के किसी पेरेंट पर, चाहे माँ पर। जैसे मान लीजिए अगर लड़का बना रहा है पहले महिला का चित्र, तो हो सकता है कि उसकी डिपेंडेंसी अपनी माता पर बहुत ज़्यादा हो या ऐसे किसी पेरेंट फिगर पर ज़्यादा हो जो कि महिला है। कई बार ऐसा होता है कि जब हमें अपने सेक्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए कन्फ्यूजन हो, जब बच्चे को ये कन्फ्यूज हो कि वो क्या है, लड़का है कि लड़की है, ज़्यादातर ये कम उम्र के बच्चों में होता है। जब हम देखते हैं कि उनको ना समझ में आए कि क्या चीज़ें हैं, क्योंकि हमारा जो एक सामाजिक मानक हैं और सोशल रोल्स होते हैं वो पहले से ही डिफाइंड होते हैं हमारी इसमें, हमारी सोसाइटी में, कि हमें क्या करना है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चों को उस चीज़ का ध्यान नहीं रहता कि उनका सेक्स क्या है, तो उस तरीके की कंफ्यूजन में भी बच्चे कई बार ऐसा है कि वो दूसरे तरीके का चित्र या ऑपोजिट सेक्स का चित्र बनाते हैं। कई बार ऐसी भी स्थितियाँ देखी जाती हैं कि जब किसी भी बच्चे के अंदर अपने ही लिंग के प्रति एक विकर्षण उत्पन्न हो जाए, एक अवर्जन की स्थिति आ जाए कि उसको पसंद नहीं है, कि मैं लड़की हूँ मुझे पसंद नहीं है, या मैं लड़का हूँ मुझे पसंद नहीं है, तो भी वो शायद इस चीज़ से हट करके अपने लिए अपना जो है वो ऑपोजिट सेक्स का जो फिगर है वो बनाते हैं। अब यदि बच्चा मेल फिगर को छोटा बनाता है फीमेल फिगर के कंपैरिजन में, तो वो ये दर्शाता है कि जो मेल फिगर है वो इनएक्टिव होगा, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नहीं है, अंतर्मुखी है, दूसरे पर निर्भर है, या एक ऑब्जर्वर है कि वो सिर्फ देखता ही रहेगा, या ऑनलुकर है, इस तरीके की चीज़ें उसमें देखने को मिलेंगी। वहीं अगर फीमेल फिगर को बड़ा बनाता है तो इसका मतलब कि वो जो महिला है वो बहुत एक्टिव होगी, बहुत केयरिंग होगी, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होगी, अपने बच्चों को लेकर के, अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होगी, हर चीज़ के लिए या कोई भी काम वो करती है तो उसका वो खुद ही चार्ज या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, इस प्रकार की महिला होगी। ड्राइंग के साइज से इस बात का पता चलता है कि जो बच्चा है वो अपने पर्यावरण में जो भी दाब हैं, जो इन्वायरमेंटल प्रेसेस हैं, उनके प्रति किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करता है। तो हमारे जो इन्वायरमेंटल प्रेसेस हैं, हम जो चीज़ें हमारे ऊपर दबाव डाल रही हैं उन पे हम, उनके रहते हुए हम किसी इन्वायरमेंट में किस प्रकार रिस्पॉन्ड करते हैं, ये साइजेस उसके बारे में भी बताते हैं। अमूमन हम ये जानते हैं कि इस हिसाब से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एक एवरेज साइज़ होती है ड्राइंग की वो लगभग 7 इंचेस तक की होती है। यानी कि जिस पेपर पे बच्चे ने ड्राइंग बनाया है, अगर उसके 2/3 पेपर पर बच्चे ने ड्राइंग बनाया है तो इसको हम एवरेज साइज़ के रूप में मानते हैं। पर यदि बच्चे ने छोटा बनाया है, स्मॉल साइज़ का बनाया हुआ है ड्राइंग, तो उससे हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि अपने इन्वायरमेंट के प्रति, अपने इन्वायरमेंटल प्रेस के प्रति बच्चे की जो अनुक्रिया है वो इन्फेरियॉरिटी से ग्रसित है या इनएडिक्वेसी से ग्रसित है। मतलब वो हीन भावना महसूस कर रहा है, या फिर वो ये समझ रहा है कि वो ये करने के स्थिति में नहीं है, या शायद ये इसके बस की बात नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि बच्चा छोटा बना रहा है तो, या बड़ा बना रहा है, तो जिस हिसाब के भी चित्र वो बनाता है वो उसका, उसके एनवायरमेंटल प्रेस से किस प्रकार की उसकी अनुक्रियाएं चल रही हैं, किस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करता है अपने एनवायरमेंटल प्रेसेस को, इसको बहुत अच्छे तरीके से दर्शाते हैं। अगर बच्चा बड़ी चित्र बना रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि उस बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार की आक्रामकता, गुस्सा या अग्रेशन हो, या किसी चीज़ को
अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपना विस्तार करने की भावना भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चा लार्ज फिगर बनाता है तो वो उसके हाई सेल्फ इस्टीम को भी दर्शाता है, या फिर हो सकता है कि बच्चे का लोएस्ट सेल्फ इस्टीम हो लेकिन उसको कॉम्पनसेट करने के लिए वो बड़ी चित्र बनाया है। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की स्लाइड्स में आगे का इंटरप्रिटेशन देखने के लिए हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।